कृषि कानूनों सहित किसानों से जुड़े मुद्दों पर आज मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए देवबंद से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकल पड़े। महापंचायत में केंद्रीय कृषि कानून, गन्ना समर्थन मूल्य और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र सहित देश भर के किसान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। उसी को सफल बनाने के लिए भागियों के देवबंद ब्लॉक अध्यक्ष तसव्वुर अली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लॉक कार्यालय से निकल पड़े। मीडिया से बात करते हुए भागियों कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसान आंदोलन करते रहेंगे। देवबंद से अंकित जैन की रिपोर्ट। ये तो महापंचायत है, युद्ध स्तर की पंचायत है, रैली मत बताओ, इसे बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। देख लो आप जाके पब्लिक कितनी निकल रही है, हर तरफ से आ रही, पूरे हिंदुस्तान से रैली आ रही है। इसमें तो ये है, बीजेपी ने जो मोदी ने ये कानून बनाए, तीन काले कानून, इसे वापसी लेने चाहिए, इसे समझना चाहिए। भाई एक आदमी अगर ये कुर्ता अगर नहीं पहनना चाह रहा, उसे क्यों पहना रहे? बात समझ में बात ये नहीं आ रही। तो अगर आप मोदी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? भाई आगे की रणनीति तो आज के बाद तय होगी, आज तय होगी। वहाँ से जो हमारे ऊपर से आदेश होंगे, राकेश टिकैत जी के जो आदेश होंगे, उसके अनुसार चला जाएगा। बाकी आप देख ही रहे, रैली रैली स्थान यहाँ देवबंद से फुल है, कम से कम 500 ट्रैक्टर यहाँ से निकले हैं। और इसे दिखाना है भाई गवर्नमेंट को, हाँ भाई कुछ ताकत है। ये कह रहे थे भाई मुट्ठी भर किसान है यहाँ से, मुट्ठी भर किसान बता रही थी, ये हर जगह ये कह रही थी मुट्ठी भर किसान है, ये किसान नहीं है, ये तो कहीं भी कुछ बता रही है, कभी खालिस्तान की बता रही, कभी कुछ बता रही। तो जब पिछले 8 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े हैं, तो कब तक पड़े रहने की उम्मीद है वहाँ पर? 9 महीने से पड़े, ये तो 2024 तक चला रहा मामला ऐसे ही। मेरा नाम उस्मान मलिक है। महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है, किस संबंध में की जा रही है? ये तो सरकार को गिराने के लिए हो रही है जी, और तो कोई मकसद नहीं आपका, क्योंकि सरकार सुनती है नहीं किसी की। ये तीन काले कानून लाई है, जो कृषि काले कानून है, ना तो इन्हें रद्द कर रही है, ना MSP पर कानून बना रही है सरकार। यह सबसे बड़ी तानाशाही सरकार है। इसने वादे किए थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दुगनी आय कर देंगे आपकी। कहाँ सी दुगनी आय हुई है? 325 रुपये क्विंटल गन्ना पहले भी तरफ की, 325 रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा है। पेट्रोल के भाव देखो, 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। ये गरीब बेचारा, ये किसान गरीब है बेचारा, ट्रैक्टर चला रहा है, किस तरह खेती को होएगा? जिंदाबाद किसान यूनियन, किसान यूनियन। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति तो ऐसे सरकार को खल्लास करनी है। आगे की रणनीति है कि आगे की सरकार जो हमारे हक में हमारा कुछ करेगी सरकार, हम उसकी साथ में है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो पूरे देश को बेच खाया, और जब भी यही कहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये मकसद रह गया इसका, पाकिस्तान हिंदुस्तान।